हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एम रहमान यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, एनआरसी का कंप्लीट फैमिली लिस्ट यानी एनआरसी का फाइनल लिस्ट 14 सितंबर को पब्लिश होने वाला है ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको उस लिस्ट के बारे में दो अपडेट बताऊंगा। एक है उस लिस्ट पे किन किन लोगों का नाम आएगा और दूसरा है क्या वो लिस्ट फ़ोटो के साथ पब्लिश्ड होगा या नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो दोनों अपडेट बताऊंगा। अगर आपको जानना है दोनों अपडेट तो पूरा कंप्लीट देखिए वीडियो को, और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन दबा कर रख लीजिए, ताकि आगे चल के इसके बारे में इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और हाँ, अगर आपको 14 सितंबर को एनआरसी का कंप्लीट फैमिली लिस्ट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना है तो कमेंट कर देना, मैं आपको जितना हो सके हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज के दोनों अपडेट के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि उस लिस्ट पे किन किन लोगों का नाम आएगा। तो फ्रेंड्स, एनआरसी का जो कम्प्लीट ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हुआ था 2018 को, उस लिस्ट पे जिन जिन लोगों का नाम आया था और एनआरसी का फाइनल लिस्ट यानी 31 अगस्त के लिस्ट में जिन लोगों का नाम इन्वॉल्व हुआ था, मतलब एक्सेप्ट हुआ था, उन सारे लोगों का नाम एक ही साथ में 14 सितंबर को जो एनआरसी का फाइनल लिस्ट पब्लिश होने वाला है, एक ही साथ उस लिस्ट पे देखने को मिलेगा। मतलब एक एआरएन नंबर के अंदर जितने सदस्य का नाम एनआरसी में इन्वॉल्व हुआ है, सारे सदस्य का नाम एक ही साथ आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन। ये जो है लिस्ट जो है आपको मिलने वाला है वो सिर्फ आपको ऑनलाइन मिलेगा, वो आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगा। ये एनआरसी का ऑफिशियल फेसबुक पेज पे ये अपडेट दिया गया है कि ये लिस्ट सिर्फ आपको ऑनलाइन ही देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया होगा। अब जान लेते हैं क्या उस लिस्ट फोटो के साथ आएगा या नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट को देखिए। ये एनआरसी का जो कंप्लीट ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हुआ था 2018 को, 30 जुलाई 2018 को जो एनआरसी का कंप्लीट ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हुआ था, उसका एक स्क्रीनशॉट है। तो फ्रेंड्स, इस लिस्ट पे जिन लोगों का नाम इन्वॉल्व हुआ था उनका सिर्फ नेम आया है, उनका फ़ोटो उपलब्ध नहीं हुआ था ऑनलाइन में। लेकिन आप ये बात भी जान लीजिए कि वो लिस्ट जो एनआरसी का कंप्लीट ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हुआ था, वो लिस्ट ऑफलाइन भी उपलब्ध हो रहा था। मतलब आप अपने एनएसके में जाके उस लिस्ट को भी आप चेक कर सकते थे। लेकिन ये जो लिस्ट 14 सितंबर को पब्लिश होने जा रहा है, वो लिस्ट आपको ऑफलाइन यानी एनएसके में नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको ऑनलाइन ही देखने को मिलेगा। इसलिए हो सकता है, इसलिए अभी तक कोई अपडेट, ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है क्या कि उस लिस्ट के साथ फोटो आएगा या नहीं। लेकिन यह हो सकता है जो है एनआरसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ये अपडेट अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन ये हो सकता है कि ये लिस्ट के साथ फ़ोटो भी आ सकता है, क्योंकि ये लिस्ट ऑफलाइन नहीं उपलब्ध होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला था। तो मुझे उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आगे चल के इसके बारे में अगर कोई अपडेट आता है, नया अपडेट, तो आपको जो है सबसे पहले इसी चैनल पर आपको अपडेट मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।